वृंदावन के केसी घाट क्षेत्र में पति ने अपनी पत्नी पर घर से हजारों रुपए की नकदी समेत जेवरात चुरा ले जाने का आरोप लगाया है। घटना को लेकर पति ने एक युवक पर शक जाहिर करते हुए पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। हम आपको बता दें कि केसी घाट निवासी आशु सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में लिखा है कि उसका विवाह इटावा के रमनपुरा की रहने वाली रामवीर की पुत्री रमा के साथ इसी महीने 7 जुलाई को हिंदू रीति रिवाज के साथ संपन्न हुआ था। पति का आरोप है कि कुछ दिनों से पत्नी रमा का उसके साथ व्यवहार अच्छा नहीं था। वो किसी न किसी बात को लेकर उससे झगड़ा करती रहती थी, जिसको लेकर बीते दिन शादी कराने वाले बिचौलिया को साथ लेकर बिरला मंदिर गए। वहाँ से आकर सब कुछ ठीक ठाक रहा। पति का आरोप है कि रात को पत्नी ने उसे दूध में नशीला पदार्थ मिलाकर दे दिया, जिससे वो बेहोश होकर सो गया। सुबह जब देखा तो पत्नी घर के सारे जेवर और नकदी लेकर घर की तीसरी मंजिल से रस्सी के सहारे नीचे उतरकर सारा माल लेकर फरार हो गई। घटना की जानकारी पति ने ससुराली जनों को दी, जो हाल ही में अटल्ला चुंगी पर एक ढाबे का संचालन करते हैं। मामले को लेकर पति और ससुराली जन दोनों ही थाने पहुंचे और पति ने अपनी पत्नी के विरुद्ध कोतवाली में तहरीर दी। इधर पुलिस ने एक शख्स को शक के आधार पर हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना के संबंध में पीड़ित पति आशु सिंह ने जानकारी दी। वहीं फरार हुई विवाहिता के पिता रामवीर ने बताया कि उसकी जानकारी में कुछ नहीं है, लड़की ने अपनी ही मर्जी से शादी की थी। मैं क्या नाम है? मेरा नाम आशु है, केसी घाट वृंदावन में रहता हूँ और ये मेरी मम्मी है, मेरा भाई है सोमेश। सोमेश को कल घुमाने ले गया था, ये भाई साहब मेरे इधर आओ। हाँ बताइए बताइए। तो ये भाई ये बिचौलिया है, बिचौलिया में से इन्होंने मेरी शादी करवाई है। शादी कराने में उसको मैं कल बिरला मंदिर घुमाने ले गया था। उसको मैंने इनको भी बुलाया था, इसको समझा के थोड़ा प्रॉब्लम नहीं आ रही है, परेशान कर रही है थोड़ी, इसलिए तो उसको घुमा के उसको समझा के मैं घर पर ले आया हूँ। घर पे लेके खाना पीना बनाया, खूब सोए आराम से, वो मोबाइल में टीवी देखती रही, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं। उसने मुझे दूध दिया, दूध में मिला के उसने मुझे कुछ दे दिया, नींद के में उसको बेहोश हो गया, नहीं सो गया, मुझे कुछ पता नहीं है कहाँ सो रहा हूँ। सुबह जो मम्मी ने भी उठाया हूँ मैं, तो गेट खुले हुए थे, कपड़ा फोपड़ा कुछ नहीं था, जितनी सारी चीज़ सिंगार फिंगार जो भी उसकी चीज़ें मंगलसूत्र जो भी है सारी सोना चांदी का सारी चीज़ वो लेकर कपड़े लेते सारी चीज़ ले गई। नीचे ताला लगा हुआ था, उसके बाद ताला लग के नीचे ऊपर गई है और रस्सी खोल के रस्सी ऊपर तीसरी मंजिल से रस्सी लटका के नीचे उतर के जब गई थी। हाँ हुई थी आपकी शादी? ये मेरे गेस्ट हाउस है, जानकी क्या नाम है गेस्ट हाउस के, क्या नाम अपना इधर मणिपुरी वाड़ी, उसमें कैसे उसमें शादी हुई थी। नाम क्या है? मेरा नाम आशु है, लड़की का नाम रमा है। कहाँ की रहने वाली लड़की? लड़की ये यहाँ चेतन विहार में रहते हैं किराए पे और रहने वाले इटावा साइड के। हाँ, कितने रुपए का माल ले गए लगभग? माल समझ लो 1 लाख रुपए के आसपास माल ले चुके हैं। ले गए। किसी पर शक है आपको? शक तो मुझ पे हुए उस रिंकू पे, जिसके साथ गई उसी पे शक है। रिंकू का रहता है? ये रहने वाला राजस्थान का है, रहता इन भाई साहब के साथ काम करता है। आप वृंदावन में काम करता है? हाँ वृंदावन में काम करता है। अभी आप कोतवाली आए तो क्या हुआ? ये कोतवाली आई, अब ये सर आए, पहले तो मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही, जब तक कोई इन्होंने मेरे कुछ सुना नहीं, मैं लिखाओ बाल निकाल रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। कब की घटना है ये? आज रात की 3:30 बजे के आसपास की है। तो शादी क्या मर्जी से नहीं हुई थी आप? शादी मर्जी से हुई है, उसकी लड़की मेरे घर पे आई है, सारी चीज़ मर्जी से है, उसके कोई दहेज का कोई खिलाफ नहीं है उसके, यानी कि 1 रुपये की सुई तक भी मैंने उससे मना कर दी, जो तेरे पास है उसको लिया नहीं है तो कोई बात नहीं, एक साड़ी में कहेगी तो एक साड़ी में आ जाइए, कोई वो नहीं है। मेरा कम से कम 2.5 लाख रुपये उसके चक्कर में खर्च हो गया है। क्या नाम है आपका? राजवीर। राजवीर जी क्या हुआ ये आपकी बेटी जो है घर से बिना बताए चली गई है सामान वामान? नहीं साहब जी हमें कुछ पता नहीं है, सुबह हमने दुकान खोली अपनी रोज़ की तरह और आशु जी पहुँचे लगभग 5 बजे की दुकान पे, बोले के लड़की चली गई है, तो ये लड़की की माँ को लेके चले गए ढूंढने, बस इतनी सी बात है। तब से हम भी इन्हीं के साथ घूम रहे हैं ढूंढते हुए। अब घर पर वहाँ से कैसे गायब हुई इन्होंने बताया, सुबह सुबह गायब हुई है, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। तो क्या मर्जी से नहीं हुई थी लड़की की शादी? लड़की की शादी लड़की ने खुद ही लड़का देखा था। तो फिर ऐसा क्यों मामला हुआ? क्या अच्छा, कौन लड़का जो बता रहे हैं वो कौन लड़का है? वो लड़का और वो लड़की दोनों ने ही लड़का पसंद किया था, उन्हीं ने शादी करवाई थी। हम तो एक यूँ समझिए कि सामान थे। वो लड़का है कौन? वो लड़का है भरतपुर मोरौली का रहने वाला है, बताता है अपने को, रिंकू नाम है उसका।
उसके पिताजी का नाम गोविंद है। आपके आपसे कैसे परिचय हो गया? अरे वो हम दुकान खाने पीने की आप आनी दुकान अटल्ला पे, तो दुकान पे आते जाते थे बस जान पहचान को लेकर बाजार में ढूंढला। इस खबर के प्रायोजक थे जसवंत सिंह भदौरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी AICT से मान्यता प्राप्त और प्राविधिक शिक्षा परिषद लखनऊ उत्तर प्रदेश से संबद्ध पॉलिटेक्निक डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग डी फार्मा कंप्यूटर इंजीनियरिंग 12 PCM और ITI पास छात्रों को सीधा प्रवेश 85% छात्रों का कैंपस प्लेसमेंट कैंप ऑफिस कोसीखुर्द भरतपुर रोड मथुरा। हमारा मोबाइल नंबर है 08979000125 08979000126। तो आज ही संपर्क करें जसवंत सिंह भदौरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मथुरा।